वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। जीरो लेवल की क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जोड़ और घटाना। ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक आपकी जीरो लेवल की क्लास होती है, तो इसमें हम लोग एकदम शुरू से देखते हैं। एक ऐसी क्लास जहां हम लोग पढ़ते नहीं, सीखते हैं बाबू, सीखते हैं। तो चलिए, आज आपकी ये सेकेंड बैच में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग जानते हैं कि आपकी जीरो लेवल की क्लास जो पहली बैच है वो 100 भाग से ज्यादा हो चुकी है ना। 100 से ज्यादा क्लास हो चुकी है पहली बैच में, और लगभग कक्षा 8 तक की गणित उसमें हो चुकी होगी, पहुंच चुकी है ना। तो इसमें दूसरी बैच में आप देखिए कक्षा 4 की गणित चल रही है, क्लास 4 की। और आपके पास अगर सरकारी किताब है परिषदीय स्कूल की, तो ये देख सकते हैं गिनतारा है ना, कक्षा 4 की गणित, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसी के आधार पे चलती है। यानी कि प्राइमरी स्कूल में जो आपकी बुक लगती है उसी बुक के अनुसार। तो इसमें पेज नंबर 8 पर है जोड़ और घटाना। देखिए जोड़ते कैसे हैं, ये तो सभी लोग लगभग जानते हैं, लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत होती है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सवाल शामिल करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। बारिश भी हो रही है, कुछ गड़गड़ाहट आ रही है, शोरगुल होगा, हो सकता है थोड़ा सा। तो याद रखें, प्रतिदिन सुबह 6 बजे से आप, ओ माफ करिएगा, 6 बजे टाइम बदल गया है, प्रतिदिन सुबह 5 बजे से आपकी जीरो लेवल की गणित की क्लास लाइव होती है, सुबह 5 बजे से। देखिए ये सिंपल का जोड़ है, 2 में 1 जोड़ा 3, 3 में 1 जोड़ा 4, 3 में 2 जोड़ा तो 5, और 5 में 3 जोड़ा तो 8, सिंपल में ना। लेकिन ये सिंपल में नहीं है, इसमें कुछ और तिकड़म करना पड़ता है। वो क्या होता है, आपका कैरी लेना जाता है, जिसे हासिल बोलते हैं ना, हासिल बोलते हैं ना। 9 में 3 जोड़ा तो क्या हुआ, आप जानते हैं 9 3 ऐसे होगा 12। इसमें 2 अंक में आ रहा है ना, जो योग आ रहा है, तो 2 अंक में आता है, तो जो लास्ट वाला अंक होता है इसको यहां लिख देते हैं, और जो पहले वाला होता है ना, ये आपका क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, कैरी हो जाता है ना, कैरी बोलते हैं, हासिल बोलते हैं। तो ये हो गया हासिल, हासिल कितना आया 1, इसको इसके ऊपर लिख दिया, ठीक, बचपन में आपने ऐसे पढ़ा होगा। फिर 3 में 2 जोड़ेंगे 5, और ये 6, क्लियर। अब 8 में 1 जोड़ दो 9, आप कहेंगे कि 9 इसमें हासिल क्यों नहीं आया, क्योंकि 9 जो है वो मात्र इकाई अंक है, मात्र इकाई अंक है, इसमें दहाई वाला नहीं है। अगर इकाई दहाई 2 आते हैं, मतलब 2 अंक में आता है योग करने पर, तब उसमें 1 अंक यहां लिखा जाता है और 1 हासिल हो जाता है, इसमें कोई हासिल नहीं बचा है ना। और क्या इसमें हाफिल बचा था, नहीं बचा था, क्योंकि 3 2 5 1 6 हुआ था, 6 में कोई हाफिल नहीं बचा था। तो 8 1 9 हो गया, 9 1 ये हो गया 10। देखिए 10 अगर इधर कोई गिनती होती तो हाफिल बचता 10 में, 10 का 0 यहाँ लिखा जाता, बस 1 ना लिखते, 1 अगले में जुड़ता, लेकिन यहाँ पे कुछ था नहीं, इस वजह से ऐसा हुआ। आगे चले, देखिए अगला सवाल क्या है, 3 में 1 जोड़ा 4, फिर 0 में 0 जोड़ना है। अगर 0 में 0 को जोड़ेंगे तो 0 ही होता है, 0 में 0 का गुणा करने पर 0 होता है, 0 में 0 से भाग करने पर 0 होता है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, 0, ओके। आगे देखिए 3 1 4, और 1 में 0 जोड़ेंगे तो भाई आपके पास 1 रुपया है या 1 पेन है, आपको 0 पेन और मिले, 0 का कोई अस्तित्व तो नहीं, मतलब अकेले में कोई अस्तित्व तो नहीं है, लेकिन 2 लोगों के साथ मिल जाने पर 0 को बहुत बड़ा अस्तित्व है, तो 1 हो गया, और 4 में 0 जोड़ा तो आपका ये 4 हो गया। 0 का अस्तित्व कैसे है और कैसे नहीं है, देखिए अगर हमने कहीं लिखा 0, इसका कोई अस्तित्व तो नहीं है वैसे, है ना, लेकिन अगर 0 1 लिखा तो भी यहाँ पे 0 को कोई यूज नहीं है, लेकिन अगर ये 0 पीछे आने पा गया तो, मतलब राइट साइड हो गया, तो बहुत बड़ा अस्तित्व है इसका। अब 1 के बदले क्या हो गया, 10 हो गया, 10 गुना मान बढ़ जाता है 0 1 बढ़ जाने पर, 10 गुना प्रभाव डालता है ये 10 है ना, इसमें 1 0 और बढ़ा दे तो 100 हो गया, जो कि उसका 10 गुना ज्यादा हो गया, ठीक, इसमें अगर 1 0 और बढ़ा दे तो 100 का 10 गुना ज्यादा हो गया, मतलब 1000 हो गया। अब 1000 का 10 गुना ज्यादा हो जाएगा अगर यहाँ पे 1 0 बढ़ जाएगा तो, इसलिए आप देखिए बैंक के जो कर्मचारी होते हैं, बैंक उन्हें बहुत संतुष्ट रखता है, सेटिस्फाइड रखता है, पैसे से, सुविधाओं से, हर चीज से, क्यों, क्योंकि अगर वो बैंक का कर्मचारी 1 0 की गड़बड़ी करता है तो बैंक को लाखों रुपए का चूना लग सकता है,
इसलिए जो भी बैंक में कर्मचारी काम करते हैं, आपने देखा होगा वो बहुत बैंक उनको सुविधाएं प्रदान करता है, इसी वजह से है ना। तो आगे चले, ये तो जोड़ना हो गया, अब हम देखेंगे घटाना। आगे से हट जाते हैं, जिनको स्क्रीनशॉट वगैरह निकालना हो निकाल ले। देखिए जहां पर जमा कराना है बाबू, ऊपर वहां पे कुछ है नहीं, वहां पे लिखा है जीरो लेवल मैथ ना, बस और कुछ भी नहीं लिखा था उसको। अभी हम आपको हटा के दिखा देते हैं, बिल्कुल परेशान ना हो आप लोग, वहां पे कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। जीरो लेवल मैथ यहाँ पे लिखा था, बाकी यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है। चमकने की शिकायत जो है ये दूर हो जाएगी, कोशिश हमारी यही है, लाइट बदलवाना है यहाँ पे। तो घटाने में देखिए कैसे घटाते हैं, पहले हम लोग एक सिंपल का सवाल करते हैं। देखिए ये सिंपल वाला है, इसको नहीं करेंगे पहले, ये गड़बड़। तो सिंपल में कैसे, आप जानते हैं अगर तीन में से एक घटाएंगे तो दो हो जाएगा, है ना। सभी घटाना जानते होंगे, नहीं तो बताएंगे। हाँ, इसको नौ बना दिए भाई, नौ में से चार गया तो पांच, आठ में से तीन गया तो पांच, नौ में से एक गया तो आठ, सीधा सीधा घट गया ना। लेकिन अब कोई कहे कि तीन में से सात घटाओ तो कहेंगे पागल है क्या भाई, तीन में से सात कैसे घटेगा। तीन में से सात तो नहीं घटेगा, जैसे आपको मान लेते हैं कि कोई चीज खरीदना है बहुत बड़ा, मान लेते हैं कोई फ्लैट लेना है, जमीन लेना है, घर लेना है। अब आपके पास उतना ज्यादा पैसा तो एक्स्ट्रा कैश में होगा नहीं, या फिर होगा भी तो उतना ज्यादा नहीं होगा। तो क्या करेंगे आप, या तो किसी बैंक से लोन लेंगे या कहीं उधार लेंगे, ऐसा होता है ना, अक्सर लोग लोन वगैरह लेते हैं। आजकल उधार विधार तो बहुत पहले चलता था, लेकिन फिर भी अभी भी चलता है। तो क्या करते हैं, पड़ोसी से उधार ले लिए, मान लेते हैं आपको 10 लाख का फ्लैट लेना है, आपके पास 8 लाख है 7 लाख है, तो आप 2-3 लाख उधार लेंगे ना, या फिर कर्जा लेंगे। तो भाई वैसे ही क्या करते हैं, तीन में से सात को घटाना है तो ये पड़ोसी से उधार लेते हैं। कैसे, जैसे मान लेते हैं इनका पड़ोसी अभी तो यहाँ जीरो है, हम यहाँ पे मान लेते हैं सात लिख दिए, ठीक। अब ये सात से क्या करेगा, एक उधार लेगा, तो जब उधार लेगा तो ये तीन की जगह पे क्या बन जाएगा, 13। जब भी उधार लेते हैं उसके आगे एक बढ़ जाता है। अब 13 में से सात गया तो क्या हो जाएगा, ये 6। अब भाई इसके पास मानते हैं 6 लाख रुपए था, इसने 1 लाख पड़ोसी को उधार दे दिया, तो कितना बचा, 7 लाख था पहले ना, 6 लाख बचा ना, तो ये हो जाएगा 6। अब ये 9 से 3 गया 6, 5 में से 0 गया, कोई फर्क नहीं, तो 5 ही हो गया। ये आपने घटाना देख लिया सिंपल में। लेकिन अगर ये इस तरह का घटाना करना है, अब कैसे करेंगे, अजीब सा है ना, कैसे करेंगे। देखिए इसमें दो अंक है, तो आप देखेंगे लास्ट का अंक दोनों में लास्ट का अंक, इसमें 8 है इसमें 1 है, तो 8 में से 1 घटा लो पहले, लास्ट का कितना आएगा, 7। अब पहले का दोनों अंक देखो, पहला ही 7 है, क्या है, 2 है, तो 7 में से 2 गया तो 5 हो गया। देखिए कितना आसान है ना, मैथ बहुत ही आसान है। आप लोग जल्दी से इस क्लास को लाइक कर दें, और हाँ, लाइक करने के बाद डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से आप हमें अनअकैडमी और अनअकैडमी के सिवा फेसबुक का पेज भी लाइक करें, पीवीआर स्टडी के और जो दो यूट्यूब चैनल है मैथ आसान है और पीवीआर स्टडी ग्रुप को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको मैथ आसान हो सके। और गणित सिखाने की हम आपको संपूर्ण गारंटी लेते हैं, अगर आपको गणित नहीं आती है तो आज से आप टेंशन मुक्त हो जाएं और जीरो लेवल की क्लास को ज्वाइन करें, आपको गणित आएगी आएगी और आएगी, अगर आएगी नहीं तो जाएगी कहां, है ना, पूरी 100% उम्मीद बना के रखिएगा। आज की क्लास में बस इतना ही, मैं राजकुमारी दुबंसी फिर से मिलूंगा आपकी अगली क्लास के साथ। इसका अगला भाग देखने के लिए अगली क्लास जरूर देखिएगा, लास्ट में 20 सेकंड अभी आपको स्क्रीन पर आ जाएगा अगली क्लास का लिंक, उस पर क्लिक करके आप अगली क्लास में जुड़ जाइएगा, और सब्सक्राइब करने के लिए पीवीआर स्टडी के लोगो पर क्लिक करके सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, अगर तब आपको सभी क्लास मिलेगी, ठीक है, थैंक यू। और हाँ, अगर आपको कोई सुझाव या शिकायत है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर दिख रहा है इस पर संपर्क कर सकते हैं।